हेलो फ्रेंड्स तो एनिक्लेक्स सोंडर्स अपनी थ्योरी क्लासेज चल रही थी इसमें आज का अपना टॉपिक है पोजिशनिंग क्लाइंट ये नाइन्थ एडिशन में नहीं है ये सिक्स एडिशन से मैंने लिया है ठीक है पोजिशनिंग द क्लाइंट एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनता है तो अकॉर्डिंग टू सिस्टम सारे सिस्टम के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे पोजिशन स्टडी करेंगे सबसे पहले अपन बात करते हैं इंटेगोमेंट्री सिस्टम तो देखिए इंटेगोमेंट्री सिस्टम में सबसे पहले डिस्कस करते हैं ग्राफ्टिंग यदि स्किन ग्राफ्टिंग किया है तो उस कंडीशन में अपने क्या करना होता है उस ग्राफ्टिंग को इमोबिलाइज रखना होता है और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर पार्ट part को एलिवेट रखना होता है ताकि वहाँ पर एडिमा न हो ठीक है अवॉइड है और साथ ही साथ पेशेंट को बोलना है कि तुमको जो है वेट जो है वो वेट बेयरिंग अवॉइड करना है वेट वगैरह नहीं उठाना है चलिए बर्न के केस में क्या करेंगे एलिवेट द हेड ऑफ द बेड ठीक है क्यों देखिए ये निमोनिक्स ध्यान में रखना एच ओ बी हेड ऑफ द बेड बर्न के केस में एलिवेट द हेड ऑफ द बेड क्यों क्योंकि यहाँ पे ट्रेकियल और वी कैन से लेरिंजियल एडिमा होने का रिस्क रहता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन हेड ऑफ़ द बेड क्या करेंगे एलिवेट करेंगे क्योंकि रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होगी यहाँ पे नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मास्टेक्टोमी ब्रेस्ट सर्जरी हुआ है किसी लेडीज़ का तो उस कंडीशन में एलिवेट द एलिवेट द हेड ऑफ़ द बेड एट थर्टी डिग्री तीस डिग्री के कोण पर बेड को क्या करेंगे एलिवेट कर देंगे और क्या करेंगे सेमी फाउलर पोजिशन अपन ने उसको दे दिए ठीक है और क्या करेंगे अफेक्टेड आर्म जो है उसको अपन एलिवेटेड कर देंगे जिस साइड का ब्रेस्ट का सर्जरी हुआ है मान लीजिए राइट साइड का हुआ है तो उस राइट right साइड का जो हैंड है उसको क्या करेंगे एलिवेटेड कर देंगे ठीक है देखिए कुछ एक नेमोनिक्स ध्यान में रखना मेरे पूरे आगे आएंगे ये बार बार में शॉर्ट फॉर्म है एस एफ पी सेमी फाउलर पोजिशन हाई फाउलर पोजिशन साइड लेटरल पोजिशन लेफ़्ट लेटरल पोजिशन ठीक है ये लिख लेना पहले क्योंकि बार बार में आप फिर आपको लगेगा कि ये क्या शॉर्ट नाम लिख दिया ठीक है चलिए नेक्स्ट पेरिनियल या फिर कोई वेजाइनल प्रोसीजर हो तो उस कंडीशन में लिथोटोमी पोजिशन दी जाएगी चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम तो हाइपोफाइसेक्टोमी यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो कोई ट्यूमर है या कोई सर्जरी हुआ है उस कंडीशन में अपने को आ, हेड जो है हेड ऑफ द बेड क्या करेंगे अपन एलिवेट कर देंगे और क्या करेंगे थाइरोडेक्टोमी की यदि सर्जरी हुई है तो उस कंडीशन में सेमी फाउलर पोजिशन या फिर फाउलर पोजिशन प्रोवाइड करवाई जाती है नेक्स्ट अपन बात करते हैं योग एंडोक्राइन ठीक है नेक्स्ट अपन बात करते हैं जितना भी जीआई सिस्टम सिस्टम रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में हेमरोयड मान लीजिए हेमरोडेक्टोमी हुआ है हैमरोड को रिमूव किया तो उस कंडीशन में लेफ्ट लेटरल पोजिशन या फिर लेफ्ट साइड लेटरल पोजिशन अपन प्रोवाइड करवाएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट गेस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज जी ई आर डी के कंडीशन में रिवर्स ट्रेंडलिन वर्ग पोजिशन दिया जाता है जिसका जिसके अंदर हेड ऑफ़ द बेड जो है क्या किया जाता है एलिवेट किया जाता है जबकि फुट ऑफ द बेड क्या है लो रखा जाता है ठीक है नेक्स्ट लिवर बायोप्सी की बात करें तो ड्यूरिंग बायोप्सी सुपाइन पोजिशन विथ एब्डोमिन एक्सपोज एंड आफ्टर बायोप्सी राइट लिटल पोजिशन विथ पिलो पिलो एड कर दिया जाता है एक एबडोमिन के पास में ठीक है चलिए एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है ये लीवर बायोप्सी नेक्स्ट अपन बात करते हैं पेरासेंटेसिस तो पेरासेंटेसिस के कंडीशन में सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करवाई जाती है कौन सी पोजीशन सेमी फाउलर पोजीशन नेक्स्ट अपन बात करते हैं एनजी ट्यूब तो एनजी ट्यूब इंसर्शन में हाई फाउलर पोजीशन और इरिगेशन एंड फीडिंग के दौरान सेमी फाउलर पोजिशन प्रोवाइड करवाई जाती है नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेक्टल एनिमा या फिर इरिगेशन तो सिम्स पोजिशन जो है या फिर सिम्स लेटरल पोजिशन भी प्रोवाइड करवाई जाती है या फिर ये नहीं हो तो लेफ्ट लेटरल पोजिशन एग्जाम में जरूर दिया हुआ होगा नेक्स्ट सेंगे स्टेकन ब्लैक मोर ट्यूब की कंडीशन में एलिवेट द हेड ऑफ द बेड ठीक है नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं तो सीओपीडी हो चाहे लेरिन जेक्टोमी हो चाहे ब्रोंकोस्कोपी हो ये अपने को हाई फाउलर पोजीशन या फिर सेमी फाउलर पोजीशन अप्लाई करनी होती है नेक्स्ट पोस्चुरल ड्रेनेज की कंडीशन में ट्रेंडिलेन बर्ग पोजिशन जो है वो काम में लेनी होती है जिसके अंदर हेड ऑफ़ द बेड जो है वो क्या रहता है लो रहता है हेड ऑफ द बेड हेड ऑफ़ द बेड लो रहता है ठीक है देखिए वापिस एक चीज क्लियर कर लेना कौन सी ये रही गेस्ट्रो इसियल रिफ्लेक्स डिजीज में अपन ने कौन सी दी है रिवर्स ट्रेंडिलेन बर्ग पोजिशन जिसके अंदर हेड ऑफ द बेड क्या था एलिवेट था जबकि जबकि यहां अपन ने क्या किया है पोस्टर ड्रेनेज में अपने ट्रेंडलिन बर्ग पोजिशन दी है जिसके अंदर हेड ऑफ द बेड क्या रहेगा लो रहेगा ठीक नेक्स्ट है ये देखिए ऑल अदर रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी जितनी भी रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी है उन सभी में सेमी फाउलर पोजिशन या फिर हाई फाउलर पोजिशन प्रोवाइड करवानी होती है ठीक है चलिए नेक्स्ट सिक्स अपना है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे एबडोमिनल एन्यिज्म रिसेक्शन की कंडीशन में फाउलर पोजीशन देंगे यानी 45 डिग्री के एंगल पे और एम्पोटेशन हो कोई भी एक्सट्रीमिटीज़ का कोई लिब काटा गया हो तो उस कंडीशन में ये इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना फर्स्ट 24 फोर आवर तो अपन क्या देंगे एलिवेट द फुट फुट जो है उसको एलिवेट करके रखेंगे देन चौबीस घंटे के बाद में आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर प्रोन पोजिशन देंगे टू टाइम ए डे एक दिन में दो बार कितनी देर तक तीस मिनट तक टू प्रिवेंट फ्लेक्सन कॉन्ट्रेक्चर ऑफ द हिप्स हिप्स जो है उसमें कॉन्ट्रेक्चर ना हो जाए ठीक है नेक्स्ट कार्डिक कैथेटराइजेशन की कंडीशन में इफ़ फेमोलर फेमोरल आर्टरी यूज की है अपन ने तो उस कंडीशन में बेड रेस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है कितनी देर तीन से चार घंटे तक एंड कीप द स्ट्रेट जो पर्टिकुलर लिम्ब हो उसको स्ट्रेट रखा जाता है नेक्स्ट हार्ट फेलियर हो या फिर पलमोनडी एडिमा की कंडीशन हो तो उस कंडीशन में अपन हाई फाउलर पोजिशन प्रोवाइड करवाएंगे नेक्स्ट वन पेरीफेरल आर्टरी डिजीज़ तो उस कंडीशन में एलिवेट द फुट ऑन द बेड इज नॉट अलाउड कभी भी एलिवेट नहीं करेंगे फुट ऑफ द बेड को क्यों कर क्यों नहीं करेंगे क्योंकि आर्टीरियल डिजीज में फिर क्या होगा यदि अपन ने फुट ऑफ द बेड जो है उसको एलिवेट कर दिया तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी ठीक है ये अपने को ध्यान में रखना है तो कौन सी पोजीशन देंगे बिलो द दे लेवल ऑफ हर्ट जो लिंब है अपना जो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है जहाँ पे उस लिम्ब को अपन क्या रखेंगे हर्ट के लेवल से लो रखेंगे चलिए नेक्स्ट वेरी वेन में जस्ट अपोजिट होगा वेन की कोई भी डिजीज हो तो उस कंडीशन में इसके जस्ट अपोजिट होगा डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो वेन डिजीज हो वेरिकोस वेन हो तो उस कंडीशन में एलिवेट करेंगे लेग को ठीक है ऑन द बेड और या फिर क्या कर सकते हैं अपन पिलो अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेंसरी सिस्टम तो कैटरेक्ट का यदि सर्जरी हुआ है ठीक है तो उस कंडीशन में पोस्ट सर्जरी एलिवेट हेड ऑफ द बेड ठीक है या फिर एनी अदर आई प्रोसीजर तो भी अपन क्या करेंगे एलिवेट हेड ऑफ द बेड नेक्स्ट ईयर का कोई प्रोसीजर है तो अफेक्टेड ईयर इज अपवर्ड या एक्सपोज जो जिस कान में कोई प्रोसीजर होना है तो उसको अपन अपवर्ड करेंगे एक्सपोज करेंगे नेक्स्ट न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जिसके अंदर ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्स या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है हाई फाउलर पोजिशन देंगे क्योंकि ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगा इसमें सेरेब्रल एनिज्म हो या सेरेब्रल एंजियोग्राफी हो या स्ट्रोक जिसको अपन ब्रेन हेमरेज बोलते हैं या क्रेनियोटोमी हो या इंक्रीज आईसीपी हो यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया हो तो उस कंडीशन में सेमी फाउलर पोजीशन टू हाई फाउलर पोजीशन यानी फोर्टी फाइव डिग्री थर्टी टू तीस से पैंतालीस डिग्री के कोण पे अपन पेशेंट को, को लाई कराएंगे ठीक है नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेमिनेक्टोमी यदि स्पाइनल कोड का सर्जरी हुआ है तो लोग रोलिंग करना है अपने को ठीक है लोग रोलिंग का मतलब होता है कि पेशेंट जो है उसको टर्न करवाते टाइम छः इंडिविजुअल जो है छह बंदे जो है वो काम छः इंडिविजुअल उसको क्या करेंगे मूव करवाएंगे मोबाइल करवाएंगे ताकि वो पेशेंट का मोबिलिटी जो है हाथ पैर जहां से भी यदि कोई सर्जरी हुआ है वो उसमें मूवमेंट नहीं हो ठीक है ना तो लॉग रोलिंग जो है उसको एक बार गूगल करके इसका फोटो जरूर देखना इंपॉर्टेंट है ये नेक्स्ट है लंबार पंक्चर तो देखिए लंबार पंक्चर ड्यूरिंग लंबार पंक्चर कौन सी पोजीशन देंगे अपन साइड लेटर पोजीशन देंगे या फिर सी शेप पोजीशन देंगे या फिर अपन बैक बोर्ड शेप यानी कि जो बैक जो है वो अपनी शेप यानी धनुष आकार की रखनी है ठीक है ये पोजीशन अपन देंगे नेक्स्ट आफ्टर लंबा पंक्चर सुपाइन पोजिशन देंगे नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्पाइनल कोड इंजरी हुआ है कोई तो उस पेशेंट को अपने को इमोबिलाइज रखना है हेड न्यूट्रल पोजिशन में यानी हिलाना डुलाना नहीं है उसको और लो रोलिंग द पेशेंट यानी कि नो मूवमेंट्स ठीक है नेक्स्ट मस्कुलर स्केलेटर सिस्टम की बात कर लें तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट का यदि सर्जरी हुआ है तो उस कंडीशन में अवॉइड द एडक्शन एंड मेंटेन द अबडक्शन यानी अबडक्शन तो देना है लेकिन एडक्शन नहीं देना है अब देखिए बता देता हूँ क्या होता है ये ये दोनों पेड़ हैं इन दोनों पेड़ को क्या क्या नहीं करना है पास पास यदि करते हैं तो उसको बोलते हैं एडक्शन ये नहीं करना है जबकि यहाँ क्या किया जाता है इस टोटल हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी में इंडिविजुअल जो है उसका जो लेग है उन दोनों लेग के बीच में गेप रखा जाता है पिल्लो रख दिया जाता है उसको बोलते हैं अपन एबडक्शन एबडक्शन ठीक है तो ये जरूर अप्लाई करते हैं